यूट्यूब पे ऐसा रिजल्ट देखने को बहुत कम मिलता है। आगे वाले फ्रंटल सेक्शन का ट्रांसप्लांट हुआ था, मैंने मेडिकेशन लेना ही बंद कर दिया है क्योंकि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ हमेशा इतना बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आपको बता दूं, मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी दिखा रहा हूँ। मैंने अपना फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट 2017 में कराया था, फिर सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट अपनी हेयर लाइन को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए अभी 7-7.5 महीने पहले कराया था। तो मेरे को लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांट का, वही आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे बंदे ट्रांसप्लांट तो कराना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, गाइड की ज़रूरत होती है कि यार ट्रांसप्लांट कैसे होता है, कितने पैसे लगते हैं, कहाँ पर अच्छा ट्रांसप्लांट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे आपका सेफ तरीके से सेफ्टी के साथ अच्छे डॉक्टर से ट्रांसप्लांट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए ये ट्रांसप्लांट चैनल बना हुआ है। मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी आपको बार बार दिखाता रहता हूँ, साथ में अदर क्लिनिक में जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ क्लिनिक, और उनका ट्रांसप्लांट होता है और उनका जब रिजल्ट आता है तो मैं आपको वो भी शो करता हूँ। तो इस कड़ी में मैं फिर से अपनी केस स्टडी लेके आ गया हूँ। आज मैं आपको 2 पेशेंट का रिजल्ट दिखाऊंगा, जी हाँ, एक नहीं बल्कि 2 पेशेंट का रिजल्ट दिखाऊंगा, और दोनों रिजल्ट बहुत ही यूनिक है, इतने जबरदस्त रिजल्ट है ना, आप भी ये बोलोगे कि यार YouTube पे ऐसा रिजल्ट देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत लिमिटेड रिजल्ट आते हैं ऐसे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि बॉल्डनेस का एक इलाज है वो हेयर ट्रांसप्लांट है, तो इसलिए शेयर जरूर कर देना। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए पेशेंट, जो हमारे पहले पेशेंट है उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, ट्रांसप्लांट से पहले इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, आप से देख सकते हैं लगभग 5th ग्रेड की इनकी बाल्डनेस थी, पूरा ही आगे से बाल्ड हो गए थे, साथ में इनका मिड का भी थोड़ा सा गंजापन आ गया था, थोड़ी डेंसिटी लूज हो गई थी। आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में जो सबसे अच्छी चीज होती है वो आपका फेस का फ्रंट लुक होता है। कुछ परसेंट ऐसे बंदे हैं जो बाल्ड होने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो दूसरों को फेस करने में डरते हैं, उनमें से एक मैं भी था। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बाल्डनेस से बहुत घबराते हैं, तो उनमें से एक मैं भी था। तो ये पेशेंट भी कुछ ऐसे ही थे, इनकी बाल्डनेस इतनी आ गई थी, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को डेंसिटी बहुत अच्छी चाहिए, तो उस हिसाब से इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराने का सोचा और इनका हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त डेंसिटी दी गई इनकी आगे, और इनको टेंपल की नीड नहीं थी तो टेंपल नहीं बनाए गए, और बहुत अच्छी दी गई। पीछे इनकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ाई गई क्योंकि वहां पे एग्जिस्टिंग हेयर थे, और ट्रांसप्लांट के बाद आपका कुछ ट्रीटमेंट चलता है, मेडिसिन का पीआरपी वगैरह है, तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और ट्रांसप्लांट के लगभग 15 दिन के बाद ये कंडीशन थी, इनके जो स्कैब थे वो हेड वॉश में काफ़ी साफ हो गए, तो ये कंडीशन थी। और लगभग 25 दिन के बाद ये कंडीशन थी, 25 दिन के बाद आपका लगभग शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो 15 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है लेकिन 25 दिन के बाद अच्छा खासा शेडिंग फेज हो जाता है, और ये नॉर्मल होता है। मेरे से बार बार बंदे मुझे फोटोज भेजते हैं, साहिल भाई में तो फिर से गंजा हो गया, ये वो इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं भी सच में बता बता के परेशान हो चुका हूँ। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर गौर करके सुनो यार, शेडिंग फेस सबके साथ आता है और ये नॉर्मल होता है, पूरी तरह नॉर्मल होता है। और लगभग ट्रांसप्लांट के 3 महीने के बाद इनकी ये कंडीशन थी, आप देख सकते हैं इनका ठीक ठाक रिजल्ट आने लगा था, 3 महीने में कुछ खास रिजल्ट नहीं आया था, और एग्जिस्टिंग हेयर थोड़े अच्छे हो रहे थे, साथ में थोड़ा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आया तो ठीक ठाक रिजल्ट दिख रहा था। और ट्रांसप्लांट के लगभग 5 महीने के बाद इनकी ये कंडीशन थी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बंदों का 5 महीने में बहुत ठीक ठाक रिजल्ट आता है, किसी का बहुत, इनका बहुत अच्छा आया। बहुत सारे बंदे मुझे ये मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई क्या हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं कि मेरी 6 महीने बाद शादी है। देखो आप 6 महीने से पहले अपना ट्रांसप्लांट करा लो तो ज्यादा बेटर है। अगर आप ये सोच रहे कि मेरी शादी 2-3 महीने बाद है और मैं ट्रांसप्लांट करा लूं तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रॉपर रिजल्ट, ठीक ठाक रिजल्ट कम से कम 4-6 महीने में आता है और कंप्लीट रिजल्ट 10 महीने में आता है, 10-12 महीने में। तो अगर आपकी शादी है तो कम से कम आप 5 या 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, और पॉसिबल हो तो उससे पहले ही करा ले तो ज्यादा अच्छा है। और इनका ट्रांसप्लांट लगभग 9 महीने के बाद ये कंडीशन आप देख सकते हैं, 9 महीने का ये रिजल्ट है, कितना जबरदस्त रिजल्ट हो गया। इन्होंने वीडियो में खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप खुद सुनिए। तो देख जैसा आप देख ही सकते हैं कि मैंने आगे के बाल ट्रांसप्लांट कराए थे और उनको लगभग 1 साल हो चुका है, और अब मैंने मेडिकेशन लेना ही बंद कर दिया है क्योंकि 1 साल तक मैंने ली थी पूरी, तो उसका रिजल्ट पूरे 1 साल का ये है आपके सामने। वो कंघी करके भी दिखा देता हूँ एक बार, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। मेरे आगे का आगे वाले फ्रंटल सेक्शन का ट्रांसप्लांट हुआ था जिसमें लगभग 4,000 ग्राफ्ट लगे थे,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 साल का रिजल्ट है यहाँ पर। मेरी एज भी 23 ईयर्स है, तो देख ही सकते हैं कि मतलब एज के हिसाब से ट्रांसप्लांट भी अच्छा हुआ है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराने सोच रहे हैं तो बिल्कुल कराइए, आपके पैसे वर्थ लगेंगे इसमें। तो आपने सुना, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना रिजल्ट कैसा है ये दिखाया, और इन्होंने बाल काफ़ी बड़े किए हुए ट्रांसप्लांट के बाद। आप बाल बड़े कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता, बस आपके बाल थोड़े हेल्दी होने चाहिए। और अगर आपके हल्का फुल्का भी बाल थिन हो रहे हैं या हेयर फॉल हो रहा है, तो आप मेडिसिन या PRP लेते रहिए, तो बाल आपके अच्छे खासे चल जाते हैं और इनके एग्जिस्टिंग हेयर भी बहुत अच्छे हो गए। तो देखो, ट्रांसप्लांट के बाद जब आपका ट्रीटमेंट चलता है तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं और इनकी लाइफ टोटल चेंज हो गया। बिफोर आफ्टर मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बंदा जो गंजा था उसका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो गया था, और फिर उसके बाल आ गए तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा। आप खुद सोच सकते हैं, जो बाल्ड है वो खुद ये चीज अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गंजेपन को कैसे झेला जाता है, और गंजेपन के बाद जब बाल एकदम सर में घने घने आते हैं उसकी जो खुशी होती है, और जिसके बाल आते हैं वही समझ सकता है। जैसे मैं समझ सकता हूं वैसे आप भी समझ सकते हैं अगर आपका रिजल्ट आ चुका है। और अब पेशेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पेशेंट नंबर हमारे जो 2 है, उनकी बाल्डनेस कुछ ऐसी थी, उनकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो गई थी, और इनकी जो बाल्डनेस थे वो लगभग 4 ग्रेड की थी। आगे से फ्रंट भी थोड़ा चला गया, थोड़ा सा क्राउन भी इनका लूज होने लगा था, लगभग 4 ग्रेड की बाल्डनेस थी। और मैं आपको जैसा भी मैंने शुरू में बताया था कि जो आपका फ्रंट लुक होता है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने का काम करता है। ट्रांसप्लांट का फिर डिसीजन लिया, इनका हेयर ट्रांसप्लांट कुछ ऐसा हुआ, इनकी हेयरलाइन में ग्राफ डाले गए, इनकी हेयरलाइन ज्यादा आगे नहीं रखी गई, जैसा इन्होंने बोला ऐसे ही हेयरलाइन की गई, और थोड़े से इनके क्राउन में ग्राफ डाले गए। उनको जो ग्राफ डाले गए लगभग 2200 समथिंग ग्राफ्ट लगे, बल्कि प्लस ही लगे, 2200 प्लस ही ग्राफ्ट लगे इनको। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ स्टेप गुजरे इनके साथ, जैसे शेडिंग फेज, और उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आया 4 महीने में, 6 महीने में, और लगभग 1 साल में इनका ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। 1 साल में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आप देख सकते हैं, इन्होंने बाल कितने बड़े किए हुए। बहुत सारे पेशेंट ये बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद आप बाल बड़े करोगे तो झड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके बाल हेल्दी है, अच्छे बाल है और क्वालिटी उनकी अच्छी है, और आपने उसका ख्याल रखा हुआ है, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, अच्छी केयर अच्छी कर रहे हैं, तो आप बाल बड़े कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छे बड़े बाल कर रखे हैं, और एक तरीके से आप इनका लुक देख सकते हैं, साइड से भी कितना जबरदस्त लुक लग रहा है। तो ट्रांसप्लांट के बाद आपके बाल आप बड़े कर सकते हैं, प्रॉपर एक जैसे नेचुरल बाल ऐसा लुक रख सकते हैं। हाँ, ये कि आप डेंसिटी इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी जन्म के साथ आपकी नॉर्मल डेंसिटी होती है, नेचुरल डेंसिटी होती है, इतनी तो देखो नहीं आती। या आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो कि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो जन्म के बाल होते इतने घनापन नहीं आता, ये आप याद रखना। ट्रांसप्लांट का काम क्या है, आपके अच्छे खासे बाल आ जाएंगे, अच्छा लुक हो जाएगा। आपको डॉक्टर 3000 4000 5000 ग्राफ्ट लगाते हैं, वो कुछ इस तरह से लगाते हैं कि आप जब बालों को सेट करते हैं तो बहुत घने लगते हैं आपके बाल, और वो बिल्कुल नेचुरल जैसे लगते हैं, तो इस तरह हो जाता है। दो कुछ ऐसे रिजल्ट हो, दोनों ही जबरदस्त रिजल्ट है, दोनों ही पेशेंट ने बाल बड़े किए हुए हैं, तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आज कि ट्रांसप्लांट के बाद बाल बड़े कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता अगर आपके बाल हेल्दी है। और जो ये दोनों ट्रांसप्लांट हुई, ये दोनों अलग अलग क्लिनिक में हुए हैं, एक क्लिनिक साउथ साइड है तो एक नॉर्थ साइड है, नॉर्थ बोले तो दिल्ली साइड, और दूसरा मुंबई है, वेस्ट बंगाल है, इधर है। आप अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं तो इन दोनों क्लिनिक में भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। मेरे क्लिनिक के अलावा ये दो क्लिनिक भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आपको प्रॉपर इनकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, आपको मैं पूरी डिटेल दे दूंगा। बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि आप अपने वीडियोज में या डिटेल नहीं बताते, सब बताते हैं। देखो, मैं अपने क्लिनिक को या किसी भी क्लिनिक को प्रमोट नहीं करता, अगर आपको डिटेल जाननी है सिंपली आप व्हाट्सअप पे टेक्स्ट करो, आपको थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। आपको प्रॉपर में डिटेल दे देता हूं कि क्लिनिक का नाम क्या है, कितने चार्ज लगा पेशेंट का, सब कुछ डिटेल में बताता हूं। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और थोड़ा सा वेट करना है, बल्कि आपको रिप्लाई सेम डे भी मिल सकता है, नेक्स्ट डे भी मिल सकता है, या 1-2 दिन में रिप्लाई मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, आप सिर्फ मैसेज करके छोड़ दो। तो ये कुछ ऐसी 2 जर्नी थी, आई थिंक आपको रिजल्ट काफी पसंद आया। पसंद आया प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऑप्शन मिल जाए कि हाँ, एक ट्रांसप्लांट ऑप्शन है कि बाल्डनेस को आप खत्म कर सकते हैं, बालों को वापस पा सकते हैं, हेयर रिग्रोथ कर सकते हैं। और मेरे ट्रांसप्लांट को भी लगभग 8 महीनों के, तो मैं अपनी रिजल्ट की जर्नी और अपनी रिजल्ट की वीडियो आपके सामने लेके फिर हाजिर हूँगा, और इसी तरह की केस स्टडी लेके आपके सामने आई हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।